और मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए। और ठंड आ रही है, धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, तो अपनी स्किन का खासा ध्यान रखिए। सो गाइस, स्किन की बात करें तो स्किन में हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नॉर्मली लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं पैक। लेकिन पैक तभी असर करता है जब आप उसके पहले होने वाले जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं, तभी आपका पैक ज़्यादा निखर के आता है, यानी कि ज़्यादा ग्लो आता है आपके स्किन पे। अगर आप डायरेक्टली पैक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इतना ग्लो आपके फेस पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, यानी कि क्लींजिंग करते हैं, टोनर करते हैं, मिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, उसके बाद आप पैक लगाएंगे तो आपका फेस ऐसा लगेगा लाइक आप पार्लर में जा कर के आपने फेशियल करवाया हो और मतलब पूरा पैसा अच्छे से वसूल हो गया। सो पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप घर पे ही कर सकते हैं और बिना खर्च के अपने फेस को ग्लोइंग कर सकते हैं, रेडिएंट कर सकते हैं, और लोग पूछे बिना नहीं रहेंगे कि आपने इस्तेमाल क्या किया अपने फेस पे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपके साथ आपको बताया कि पैक के पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने फेस पे नज़रअंदाज करते हैं और उसको अप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम पैक में इतनी सारी चीज़ें तो डाल ही रहे हैं तो वो सारी जो स्टेप्स पहले हैं वो सारे बेनिफिट हमें एक साथ पैक में मिल जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता है गाइज, उसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। उनमें से आता है आपका मिस्ट स्प्रे, यानी कि आप टोनर कह सकते हैं या फिर मिस्ट कह सकते हैं उसे। सो ये जो है वो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। आप कोई का भी लीजिए या फिर आप मतलब अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहे और ग्लोइंग भी रहे, तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी स्किन की तरह आप भी अपनी स्किन को बिल्कुल रेडिएंट एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। सो उसके पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक DIY कि आप अपने स्किन को किस तरीके से विदाउट पैक, यानी बिना पैक के भी अपने फेस को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो पसंद आए तो उसे ढेर सारा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, पैक बनाने के लिए आपको इस तरह का एक बाउल चाहिए, कोई भी बाउल जो भी आपके पास हो वो आप लीजिए। एंड आपका ये जो ये पैक है ये क्लिंजिंग प्लस स्क्रब का काम है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करने जा रही हूँ मैं वो आपका क्लिंजिंग का भी काम करती है और स्क्रब का भी काम करती है। सो यहाँ पे आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर। सो मैंने यहाँ पे ब्रू शैशे का यूज़ किया है और आप जानते हैं शैशे में इतना ज़्यादा कॉफ़ी नहीं होता है। सो आपको एक चम्मच के करीब यहाँ पे कॉफ़ी लेनी है। एक चम्मच आप लेंगे तो ये सफिशेंट है। और इसमें मैंने यहाँ पे दो शैशे का यूज़ किया है जो कि पूरे 1 फुल स्पून के बराबर है। सो इसको ऐड कर लेंगे हम इसमें। सो कैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों शैशों को ऐड कर दिया है और ये बिल्कुल 1 स्पून के, मेरा स्पून काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आपका जो स्पून होगा नॉर्मल होगा, तो ये 1 स्पून के बराबर ये है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है हनी। हनी जो कि एक अच्छा मॉइस्चराइज होता है और ये आपकी स्किन को डीपली क्लींस करता है। सो ये क्लींजिंग का भी काम करता है। और जो कॉफ़ी होता है वो हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्क्रबर का काम करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स को हमारे स्किन से निकाल देता है। सो इसमें आपको चाहिए 1 स्पून के करीब हनी, यानी कि शहद। इन दोनों को अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। सो आपका विजिबल ब्राइटनिंग स्क्रब क्लींजिंग पैक रेडी है, आप देख सकते हैं। और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। सो ये हमारा पैक हो गया है रेडी। अब चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस। गाइस, हमारा क्लींजिंग प्लस स्क्रबिंग ब्राइटनिंग फेस जो मास्क है, पैक है, वो रेडी है। इसको अब हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे कि पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए अच्छे से, देन इसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। एंड लास्ट जो थर्ड स्टेप है वो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप कोई भी पैक वगैरह लगाती हैं उसको लंबे टाइम तक रिफ्रेश रखने के लिए या फिर अपनी स्किन को हील करने के लिए, अपने चेहरे को हील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो पहले हम अप्लाई करते हैं इस मास्क को। सो स्पून की हेल्प से ही मैं इसको यहाँ पे लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर का इस्तेमाल या ब्रश का, जो भी आपको इजी पड़े और जो आपको लगे कि हाँ इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो जो शहद होता है वो काफ़ी थिक होता है, सो फेस पे पूरी तरह से लगने के लिए इसको फिंगर से इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो अप्लाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज, मैंने अपने फेस पे अच्छे से यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा मसाज करना है, क्योंकि मसाज तो बहुत ज़रूरी है हमारे फेस के लिए। सो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, और कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन को इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा ग्लो अप कर देती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कॉफ़ी को किस चीज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपकी स्किन को कितना ज़्यादा सूट करती है, यानी कि अपने स्किन टोन के मुताबिक आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट चूज़ कीजिए, सो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। एंड मेरी बताई हुई जितनी भी रेमेडी होती है वो स्किन से रिलेटेड जो होती है वो ऑल स्किन टाइप्स होती है, तो आप यहाँ पे बिना किसी शंका के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज कर लेनी है अपने फोरहेड की, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से प्रेशर पॉइंट को थोड़ा सा दबाते हुए। इससे आपके फेस को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, फील होता है एज अ रिलैक्सेबल। नोज एरिया, अपर एंड लोअर लिप्स, एंड चीक एरिया, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। इस तरीके से मसाज करने के बाद आपको 5 मिनट इसको छोड़ देना है, देन उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए, एंड आफ्टर वॉश मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे पोंछ देंगे, यानी कि पैड ड्राई कर देंगे। बाद मैं क्या अप्लाई करती हूँ मैं आपको वो भी बताती हूँ, यानी कि हम अपने फेस पैक लगाते हैं उसके पहले हम बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो कि हम भूल जाते हैं, एंड वो तो हम मान लीजिए कर भी लेते हैं, लेकिन जो बाद का स्टेप है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बाद में क्रीम ज़रूर लगाना चाहिए मॉइस्चराइज आपके फेस को सॉफ्ट एंड सूदिंग बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब भी पैक लगाते हैं ये जो स्टेप है वो भूल जाते हैं। तो सो बाद का जो स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उसको आपको कभी नहीं भूलना है, यानी कि स्किप नहीं करना है, और वो स्टेप चाहे आप पैक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो उसको आप कभी भी कर सकते हैं। इवन आप जब सुबह फेस वॉश करते हैं, अपने चेहरे को धोते हैं उसके बाद कर सकते हैं, आप नहाने जाते हैं उसके बाद आते हैं तो कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कर सकते हैं, या फिर जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत थकान लग रही है और चेहरे पे कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है और चेहरे की ग्लो जो है वो छिन गई है, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रोज सैफ्रन मिस्ट स्प्रे एज अ ब्रांड ऑफ रूप मंत्रा। इट्स वेरी मतलब इतना बढ़िया रिफ्रेशनेस ये देता है आपकी स्किन को और हील करता है। रोज़ एज अ बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट होता है, फ्रेशनेस होता है, आपकी स्किन को हील करता है, लंबे समय तक लॉन्ग स्टे करता है एज अ फ्रेशनेस के तौर पे। एंड सैफ्रॉन यानी कि केसर जो आपकी स्किन के अंदर से स्किन की जो ब्यूटीनेस होती है यानी कि खूबसूरती होती है उसको बढ़ाता है। एंड सैफ्रॉन आप सभी को पता है कि केसर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, केसर हमारी स्किन को और ज़्यादा ग्लोइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल एंड हर्बल। सो
सो मैं यहाँ पे इस्तेमाल इसको जरूर करती हूँ एज अ मिस्ट जो है स्प्रे, आप अपने फेस पे जरूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप कोई पैक लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। एज अ इसकी पैकेजिंग की बात करें तो सिंपल सी पैकेजिंग है लेकिन बहुत ही क्यूट सी है, यानी कि पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ दिया रहेगा। एंड ये भी आपके आपको इसमें मिल जाएगा कि ये सबसे मेन जो अच्छी बात है इस मिस्ट स्प्रे की वो क्या है, ये अल्कोहल फ्री है, नो हार्श केमिकल्स, नो पैराबिन्स। जबकि ऐसा नहीं आता है, बहुत सारे आप जितने भी मिस्ट या स्प्रे यूज़ कर देते हैं उसमें पैराबिन एंड केमिकल वगैरह मिक्स होते ही हैं, लेकिन आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अच्छे से दिख जाएगा कि इसमें अल्कोहल फ्री है और नो केमिकल है, नो और नो हार्श केमिकल्स एंड नो पैराबिन, यानी कि पैराबिन फ्री है। सो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यंगेस्ट लुक प्रदान करता है। सो आपकी ये जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से बॉटल इसकी आएगी, ट्रांसपेरेंट, और जो इसमें चूंकि इसमें रोज वाटर इस्तेमाल किया है यानी रोज की पेटल्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस्तेमाल किया गया है एंड सैफ्रॉन, तो इसका कलर इस तरीके से। और जैसे ही मैंने इसको बॉटल से निकाला और गजब की खुशबू आ गई, बिल्कुल एज अ जैसे बहुत सारे गुलाब के फूल मेरे अगल बगल रख दिए गए हों, बिल्कुल उसकी तरह स्मेल आ रही है मुझे। सो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, आप सबको अच्छे से बताया कि मिस्ट हम या फिर स्प्रे हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत पास से नहीं, आपको लगभग इतनी दूरी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आईज को यहाँ पे आपको क्लोज करना है और इस चीज को आपको प्रेस करना है लाइक इस तरह जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रही। सो आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है, यानी मिस्ट स्प्रे को मतलब अपने फेस पे अच्छे से लेने के लिए इस तरह से डैप डैप करना है और इजिली ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो आपने देखा मैंने आपके सामने यहाँ पे पैक लगाया, फिर आपको मॉइस्चराइज भी यानी क्रीम भी लगा के दिखाई एंड उसके बाद ये पैक भी लगा के दिखाया। सो नॉर्मल जो मेरी नॉर्मल स्किन है जो डेली मतलब बिना विदाउट मेकअप रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी केवल लिपस्टिक लगी है और लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, सो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। सो लिपस्टिक लगी हुई है एंड अनदर कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया हुआ है, कोई मेकअप इसमें नहीं है और ये मैंने अपने मिस्ट को कर लिया यहाँ पे एब्जॉर्व अच्छी तरीके से। सो आप अपनी मेरी स्किन की ग्लोनेस को देख सकते हैं, टाइटनेस को देख सकते हैं एंड बहुत अच्छा बढ़िया सा परफ्यूम वाला एकदम इसकी स्मेल लाइक बहुत अच्छी है, ऑसम। सो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हर एक लड़की और हर एक हाउसवाइफ या वुमेंस जो होते हैं, चाहे वो वर्किंग हाउसवाइफ हो या वुमेंस हो या फिर टीनेज गर्ल हो या फिर 14 इयर्स के आप हैं तो भी आप इसको जरूर अपने पास रखिए, अपने पर्स में हमेशा रखिए इसको रखिए। और जब भी आप बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि अपने फेस को रिफ्रेश करना तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए और ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो एंड सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लुक अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारा लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।